से बड़ी खबर है, बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक कल होनी है। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां बैठक में शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक कल दोपहर 3:30 पर 3:30 बजे कल दोपहर भारत मंडपम में होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा होगी। बैठक में योजनाओं पर भी चर्चा होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और केंद्र और राज्य सरकार को लेकर चल रही योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की कल बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्यों के हैं वो शामिल होंगे। बैठक कल दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। तो बैठक में योजनाओं पर भी चर्चा होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं पर चर्चा होगी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी और जो रोड मैप है आगामी लोकसभा चुनाव का उस पर मंथन किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण बैठक कल होने वाली है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बीकानेर से बड़ी खबर, जहां भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में एक की मौत हुई है, दो लोग घायल हो गए। शादी समारोह में सीकर जा रहे थे ये लोग। देशनोक थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर, भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में एक की मौत हो गई, दो लोग घायल हो गए हैं। शादी समारोह में सीकर जा रहे थे सभी लोग। देशनोक थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे दुर्घटना के बाद ये गाड़ी पलट गई। बीकानेर से खबर है, भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर यह हादसा हुआ है। कार तेज रफ्तार में बताई जा रही है अनियंत्रित हो गई, ड्राइवर कंट्रोल नहीं रख पाया और तभी ये कार हादसे का शिकार हो गई, पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है, मौत हो गई है, दो लोग घायल भी हुए हैं, जख्मी हुए हैं। शादी समारोह में ये लोग सीकर जा रहे थे। देशनोक थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है और कार्रवाई कर रही है। अब तक जल जीवन मिशन में हुए घपले घोटाले की खबरों से ही लोग परेशान थे, लेकिन सिंचाई विभाग में अब उससे भी बड़े एक गड़बड़ झाले की खबर है। आप इस रिपोर्ट में देखिए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही सरकारी योजनाएं। प्रदेश का अन्नदाता कैसे राहत पाए, गांव का कैसे हो विकास, कैसे बंधे तरक्की की आस। करप्शन ने किया बेड़ा गर्क, जिम्मेदारों को नहीं पड़ता फर्क। सिंचाई विभाग में गड़बड़ झाला, 15,000 करोड़ का घोटाला। सरकार भले ही कृषि और किसानों के उत्थान के लिए लाख कोशिशें कर रही हो, लेकिन एक सच ये भी है कि सरकार की चलाई जा रही कई जनकल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही हैं। पिछली सरकार में जल संसाधन विभाग में 15,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। जल संसाधन विभाग में जल जीवन मिशन से भी बड़ा घोटाला सामने आया है। करीब 15,000 करोड़ की योजनाओं में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से ठेकेदारों को टेंडर आवंटित किए हैं। 5,000 करोड़ के टेंडर में ताक पर आरटीपीपी के नियम, 6,000 करोड़ के शॉर्ट टर्म टेंडर में नियमों की अनदेखी, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को मनमर्जी से दिए टेंडर। धौलपुर में काली तीर परियोजना, प्रतापगढ़ में पीपल खूंट परियोजना में 2500 करोड़ की धांधली, उदयपुर की देवास परियोजना के तृतीय और चतुर्थ फेज में 1500 करोड़ के टेंडर में भारी अनियमितताएं। निश्चित रूप से विवादित हुआ था, इसमें जो सत्यापन था वो एक्सीएन के लेवल से होना था और जो भी अधिशासी अभियंता थे वो सत्यापन कर रहे थे। कुछ मामलों में निश्चित रूप से एक वर्ग द्वारा इस तरह की चीजें पॉइंट आउट की जा रही थी, इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट ने इस ऑर्डर को बाद में विथड्रॉ कर लिया था और उसके बाद की निविदाओं में हमने ये जियो टैगिंग की शर्त को नहीं रखा हुआ था। सिंचाई विभाग में 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें जांच एजेंसियों तक तो पहुंची है, लेकिन राजनीतिक रसूख रखने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ
जांच एजेंसियां कार्रवाई की जहमत तक नहीं उठा पा रही है। देखना है अन्नदाता के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर एजेंसियों और सरकार की नींद कब टूट पाती है। हैरानी की बात यह है कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने पिछली सरकार के कार्यकाल में इन कारनामों को अंजाम दिया, वो अधिकारी अभी भी इसी सरकार में मलाईदार पदों पर बैठे हैं, जिनके खिलाफ ना तो अभी तक जांच बिठाई गई है, ना ही इन भ्रष्टाचारों की जांच शुरू की गई है। अब देखना यह है कि सिंचाई विभाग में हुए कृषि और किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में राज्य सरकार किस तरह का रुख अपनाती है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। मासूम का ठुमक कर चलना परिवार वालों को, माँ बाप को तृप्त कर जाता है, लेकिन क्या हो जब मासूम के हाथ पैरों में मूवमेंट ही नहीं हो रही, कोई हलचल ही नहीं हो रही। अलवर में ऐसा ही एक परिवार अपने बच्चे के महंगे इलाज की फिक्र में परेशान है और मदद की गुहार लगा रहा है। हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा परिवार। डॉक्टर ने 17.5 करोड़ रुपया को बताया है और मैं जमींदार आदमी, मैं पूरी जमीन जायदाद बेच दूं तो भी ये संभव नहीं है। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार और समस्त समाजों से अपील करता हूं कि मेरी हेल्प करें। 20 महीने के मासूम को है मदद की दरकार। डॉक्टर ने 17.5 करोड़ रुपया को बताया है और मैं जमींदार आदमी, मैं पूरी जमीन जायदाद बेच दूं तो भी ये संभव नहीं है। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार और समस्त समाजों से अपील करता हूं कि मेरी हेल्प करें। अपने अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाने की लाचारी शब्दों के जरिए बयां नहीं की जा सकती, इसलिए रूंधा गला और आंखों में उमड़ते आंसू बाकी दर्द बयां करते हैं। मेरे पोते का नाम हृदयांश है, जो कि 20 महीने का है, जिसको एक SAM बीमारी है। इसके इलाज का खर्चा डॉक्टर ने 17.5 करोड़ रुपया को बताया है। अलवर जिले के खेरड़ी क्षेत्र के मसारी गांव में रहने वाले हृदयांश के दादा जहां मदद की अपील करते हुए भावुक हो जाते हैं, वहीं उसके परिवार के सदस्य एक अनजान भय के सहारे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। अपने लाडले को गोद में लिए माँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ लोअर मिडिल क्लास फैमिली की व्यथा कथा बताते हुए सहयोग की कामना कर रही है। देश और समाज के आगे हाथ जोड़कर अपने बेटे को बचाने की विनती कर रही है। हमने दिल्ली एम्स में भी इसको लेकर गए, वहाँ भी इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक वो लगभग 17 करोड़ का इंजेक्शन ही बताया है। हम उसको, हमारी एक नॉर्मल फैमिली है और इतना रुपए का एक अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार कोई भी इतना रुपए अचीव नहीं कर सकता, तो मेरी इसमें हमारी सरकार हमारे लिए आगे आए। भगवान जी प्लीज मेरे भैया को ठीक कर देना, वो चल नहीं पाता है, इसलिए मैं बहुत सैड हूँ। परिवार में जब हृदयांश का जन्म हुआ तो परिवार खुशी से झूम उठा था, लेकिन परिवार को नहीं पता था कि कुछ ही महीनों बाद उनकी खुशियां काफूर हो जाएंगी। जब उस रोग को जाने जिसके महंगे इलाज की फिक्र ने परिवार के दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली। मासूम के पिता सब इंस्पेक्टर हैं, इसलिए 17.5 करोड़ का इंतजाम परिवार के बूते की बात नहीं, परिवार ने वन मंत्री से मदद की गुहार लगाई है। मांसपेशियों को खराब करने वाली बीमारी है। मासूमों को चूसने निगलने में परेशानी होती है। मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि बच्चा उठने बैठने लायक नहीं रहता। 2 साल से पहले मासूम की मौत हो जाती है। जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी है, ये एक नर्व्स की बीमारी है, जिसमें जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसकी नर्व्स कमजोर होती जाती है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें एक एंटीरियर हॉर्न सेल्स होती है, वहाँ पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की प्रोटीन बनती है। ये प्रोटीन का प्रोडक्शन जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वो कम होने की वजह से उसकी नर्व में कमजोरी होती आती है। धीरे धीरे उसकी सांस की मांसपेशियां इन्वॉल्व होने लगती है, रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं। हृदयांश के माता पिता को ईश्वर से भी अपने बेटे के जीवन दान की आशा है, इसलिए परिवार वालों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप और हवन भी शुरू कराया है। परिजन अब जनता को जनार्दन मानते हुए मदद की अपील कर रहे हैं।
सरकारों की मदद, आपका सहयोग काल के मुंह में समा रहे एक मासूम को जिंदगी की सौगात दे सकता है, एक घर का चिराग बच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और इसी खबर के साथ महारो राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।